ये देखो इसको, निशानों को देखो आप, ये पेंट के निशान है, ये स्क्रैच देखो, ये वाला स्क्रैच। चल अच्छी बात है, ज्यादा ले लिया मैंने। यार काफी सारे लोग हैं जो बाइक पर स्क्रैच लगने से दुखी हो जाते हैं। अब बाद में स्क्रैच जब लग जाता है ना, तो उसके बाद बोलते हैं यार ये क्या हो गया, बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बढ़ जाती है। तो ऐसे ही मैं अभी कुछ दिन पहले मार्केट गया था, और मार्केट से एक अपना ये प्रोडक्ट लेके आया, जिसका नाम है स्क्रैच रिमूवर। ये देख रहे हो, वैक्स बॉल का स्क्रैच रिमूवर। अब ये कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत बड़े बेवकूफ बनाते हैं आपको पब्लिक, कहीं भाई आपके आंखों में मिर्ची डाल रहे हैं और बोल रहे हैं यार ये जो है ये ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी इसकी एमआरपी क्या है ना, इसकी एमआरपी है 235 रुपीज़, 235 इसकी एमआरपी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्क्रैच रिमूवर फॉर यूज ऑन एनी कलर ऑफ पेंट, यानी कि पेंट वाली चीजों पर ही ये यूज हो सकता है, अदरवाइज इसको किसी और सरफेस पे आप यूज नहीं कर सकते। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए इसको हम यूज करते हैं एक जुपिटर स्कूटी पे। आओ मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये जुपिटर स्कूटी है, हमने यहाँ लगा रखी है। अब यहाँ पे ना इस पे ना बहुत सारे स्क्रेचेस है, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि जान ही रहे हैं। तो कोई कपड़ा लेता हूँ मैं, तो ये है भाई हमारा जुपिटर का ये वाला भाग जिसपे स्क्रेच लगे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको कपड़ा वगैरह मारता हूँ, तो ये जो स्क्रेच है ये कुछ इस तरीके से लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्क्रैच लगे हुए हैं सब देखो, सबसे पहले जो पास आओ थोड़ा सा, तो भाई देख रहे हो ये स्क्रैच है, ठीक है, और थोड़ा नीचे आते हो तो ये स्क्रैच देखने को मिलता है हमें। तो ये देखो भाई स्क्रैच ही स्क्रैच लगे हुए हैं इसके अंदर, देखो ये स्क्रैच, ये स्क्रैच, ये स्क्रैच, और यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं ये स्क्रैच लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इन स्क्रैच को हम गायब नहीं करेंगे, सबसे पहले इस वाले स्क्रैच को गायब कर देखते हैं क्या ये काम करता है या ये नहीं करता। तो हम थोड़ा सा इसको खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक थोड़ा सा फेशियल किट टाइप का लग रहा है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ और थोड़ा सा यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। बस नॉर्मली ये यूज़ करने के लिए बोला गया है, ऐसे ही लगा के यूज़ करो, और इस पर थोड़ा कपड़ा मार दो, थोड़ा रब करके इसको इस तरीके से हम लेते हैं, और यहाँ पे इसको रब करके मारते हैं कपड़ा, इस पर थोड़ा सा इस पर ले लेते हैं हल्का सा, ठीक है ना, और इस पर कपड़ा मारे देखते हैं क्या ये गायब हो रहा है। तो अभी तो भैया इसके ऊपर मैं कपड़ा मार रहा हूँ ना, तो ये गायब नहीं हो रहा है। अरे भैया हो जा गायब, क्या बात है, गायब नहीं हुआ ये, कोई असर नहीं पड़ रहा इस पर भाई। अरे हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा, 1% भी इस पर असर नहीं पड़ा, 1% भी, 1% भी इस पर असर नहीं पड़ा है, ठीक है, 1% भी इस पर असर नहीं पड़ा है। बट अगर मैं बात करूँ इस वाले स्क्रैच की, तो ये डेंट वाला स्क्रैच है, ये गड्ढा हो रखा, और ये जो पेंट है ना इसका रिमूव हो गया है, तो ये वाला स्क्रैच इसका गायब नहीं हुआ है। अब हम दूसरे वाले स्क्रैच को इसको गायब कर देखेंगे, जिसके ऊपर हमारा दाग पड़ा हुआ है। एक होता है देखो, इस पर लिखा है साफ साफ स्क्रैच रिमूवर, ठीक है, यहाँ लिखा है स्क्रैच रिमूवर। स्क्रैच का मतलब होता है स्क्रैच, ठीक है, अब रिमूवर का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। अब ये स्क्रैच है, इसको मैं स्क्रैच ही बोलूंगा, ठीक है, ये पर गायब नहीं हो रहा। अब हमारा दूसरा स्क्रैच होता है जो कि इस टाइप का होता है, यहाँ पर पेंट के निशान पड़े हुए हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो पेंट के निशान पड़े हुए हैं। थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं बारीकी से, ये देखो इसको निशानों को देखो आप, ये पेंट के निशान है। अब मैं देखता हूँ ये गायब हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी रबिंग जैसे मैंने यहाँ लगाई थी वैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा। बट मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊँ, ये जो दाग आप देख रहे हो, इसके दाग के साइडों में मैं जो कपड़ा मारा है उससे थोड़ी शाइनिंग आ गई है। तो अभी मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर कितनी साइनिंग आती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का कपड़ा है, ठीक है, दूर से दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको मैं। तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ और थोड़ा सा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, वैसे काफ़ी क्वांटिटी में आया ये, ठीक है, 275 MRP इसकी। अभी यहाँ पर इसको लगाता हूँ थोड़ा सा इसको मैं, वैसे तो पूरा फुल भर के नहीं दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा ही दे रखा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा लिया, ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। तो भैया ये काम करेगा नहीं करेगा बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो भाई ये जो मैंने क्रीम लगाई है ना इस पर, इससे ये गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रैच नहीं है, ये वो वाला स्क्रैच है जैसे कि हमारी जो गाड़ी चल रही है रोड पर, अब किसी दूसरी गाड़ी ने उस पर टक्कर मार दी, उस दूसरी गाड़ी का पेंट इस वाली गाड़ी पर लग जाता है, वो स्क्रैचेस पर लगा, जैसे कि आपने देखा था। अभी हम इसका कपड़ा लेते हैं, सूखा कपड़ा, ठीक है, तो अभी इसको हम लगा के रगड़ते हैं थोड़ा सा, देखते हैं भाई गायब होगा नहीं होगा। भाई साहब बड़ी मेहनत हो रही है इसमें, तो भाई बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ। भैया यहाँ पर जो है ये काम नहीं करा है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, वर्स्ट प्रोडक्ट है, बिल्कुल वर्स्ट वर्स्ट प्रोडक्ट लग रहा है मुझे ये। थोड़ा सा और यूज़ करता हूँ मैं इसको, ठीक है, देखता हूँ जरा। अरे भैया काम तो कर नहीं रहा बिल्कुल भी, ये कपड़े की काला हो गया कपड़ा हमारा। अब यहाँ थोड़ा सा और यूज़ करके देख लेता हूँ मैं इसको, तो ये हमारा क्या पता काम कर जाए। तो भाई स्क्रैच बिल्कुल भी गायब नहीं हुए हैं, पर इसके पास साइनिंग आ गई है, मैं पास आकर दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा, ये देखो अगर मैं इसके सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर स्क्रैच दिख रहे हैं, देख रहे हो ये स्क्रैच दिख रहे हैं, पर इसने क्या किया, इसने जो सरफेस है ना ये वाली सरफेस, इसको थोड़ा सा साइन कर दिया, यानी पॉलिश वाला काम किया इसने, ये पॉलिश की तरह इसको चमका रहा है। पर अगर दाग की बात की जाए तो दाग जो होते हैं, स्क्रैच जो होते हैं, वो गायब नहीं हो रहे इसके बिल्कुल भी, यहाँ भी वही है, ये भी वही है, बस थोड़ा हल्का कर दिया इसने। अगर मैं रगड़ के चमकाता रहूँ, मारता रहूँ, तो भाई ये पानी से भी साफ हो जाएंगे, ये तो बहुत दूर की बात है।
तो कुल मिला के इसके रिव्यू की बात करूँ तो मैं, तो भाई अभी तक तो इसके जो प्रोडक्ट का रिव्यू है बहुत ही ज़्यादा बकवास रहा है मेरे लिए, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा। पर एक चीज़ में मुझे बहुत बेस्ट लगा ये, अगर मैं पॉलिश की बात करी, जैसे होता ना बाइक में पॉलिश वगैरह मारते हैं हम और जो चमकाने की कोशिश करते हैं चमक नहीं आती, जो बहुत सारी पॉलिश होती है चमक आ जाती है, बहुत सारी पॉलिश होती चमक नहीं आती है, तो ये पॉलिश के मामले में बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, गाड़ी पर चमक आ रही है। पर जो इस पर लिखा है ना स्क्रैच रिमूवर, इस मामले में बिल्कुल ठीक नहीं है। अब एक छोटा सा और काम करता हूँ मैं, दाग लगाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक दाग लगा हुआ है गाड़ी पे, ये देखो ये रहा, ये जो बाइक है ना इस पर दाग लगा हुआ है इस साइड, देख रहा हूँ मैं इसका हैंडल इधर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस वाली गाड़ी के विंडशील पे देखो दाग लगे हुए हैं कितने सारे, ये स्क्रैच नहीं है, ये स्क्रैच नहीं है, ये सिर्फ दाग लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस दाग को देखता हूँ साफ कर पाता है नहीं कर पाता, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, देखता हूँ भाई यूज़ हो पाता नहीं हो पाता। 235 रुपये इसकी MRP है और 235 रुपये वाला काम इसने अभी नहीं करा है, 35 रुपये वाला काम इसने करके दिया है हमें, तो अभी देखते हैं ये काम करेगा नहीं करेगा। दाग देखते हैं, दाग गायब होंगे नहीं होंगे हमारे, अरे बाबा हो जा, अरे बाबा हो जा, अगर ये दाग गायब हो गए तो भैया मैं समझूंगा यार वाकई में कुछ काम का है ये। वैसे काम तो कर रहा है, देख लो कालापन इसके ऊपर आ रहा है कपड़े के ऊपर, तो अभी देखते हैं। अरे बाप रे, मतलब ये मान लो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना इससे तो हल्का फुल्का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो हल्का फुल्का आप कपड़ा मार रहे हो तो कपड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखो कपड़ा काला भी नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है दाग गायब हो जाते हैं पर कपड़ा काला हो जाता है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट खास देखने को नहीं मिल रहा। मैं सिंपल वे में कपड़ा मार कर आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आओ भाई देखो, ये दाग वैसे के वैसे ही हैं और वहीं के वहीं हैं और ये गायब नहीं हुए हैं, ठीक है। ये भी तरह से स्क्रैच इस पर काफ़ी लगे हुए हैं, छोटे छोटे बारीक स्क्रैच, पर वो बिल्कुल भी गायब नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखो ये स्क्रैच देखो, ये वाला स्क्रैच, अब इस पर मार के देखते हैं हम, क्या पता ये गायब हो जाए, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा नाम मात्र। तो भाई ये स्क्रैच देख रहे हो, वो वाले में तो ये फैल हो गया, चलो ठीक है ये वाले में फैल हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लास्ट टाइम ट्राई करते हैं इस पर, तो ये स्क्रैच देख रहे हो, ये स्क्रैच बिल्कुल गायब होने के चांसेस मैं देखता हूँ होंगे या नहीं होंगे। ये मैंने भाई यहाँ पर लग दिया ये, ठीक है, और यहाँ मैं इसको हल्का सा यूज़ कर रहा हूँ, हल्का नहीं ज़्यादा ही ले लिया इस बार मैंने, चल अच्छी बात है ज़्यादा ले लिया मैंने, देखता हूँ यूज़ हो पाता नहीं हो पाता, स्क्रैच गायब होते नहीं होते। तो भी ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, 5 से 6 सेकंड में मुश्किल से आपको जादू देखने को मिलेगा, जादू। ये देखो हाथ मेरे कैसे हो गए, कुछ ज़्यादा मैंने क्रीम लगा ली हाथों पे अपने, तो मैं हाथों पे यहाँ ले लेता हूँ क्रीम। वैसे अगर बात की जाए इसकी खुशबू की, तो भाई खुशबू बहुत अच्छी है इसकी क्रीम की, पर खुशबू से करेंगे क्या हम, 235 रुपये की हमने खरीदी है ये, ठीक है, और इसमें यूज़ करने वाली चीज़ है, देखते हैं भाई। गर्मी बहुत होगी, मेरी शक्ल दिखाओ भाई एक बार कैमरे में, ये देखो मैं मेरी शक्ल देखो, ये देखो भाई पसीना पसीना, सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ पसीने में भाई साहब, ये तो भाई स्क्रैच का तो मुझे पता नहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं होने वाला इसके स्क्रैच पे। तो भाई यहाँ पर ये फैल हो गया, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर भी फैल हो गया ये स्क्रैच वैसे के वैसे ही हैं, और वैसे भी सही बताऊँ ये स्क्रैच गायब ऐसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टिकर ही उखड़ा हुआ है इन्होंने। देखो यार ये तो मैं स्क्रैच ही बोलूँगा ना, स्कोर क्या बोलूँगा ना, मैं तो उससे स्क्रैच ही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ स्क्रैच रिमूवर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये जो स्क्रैच है कौन से गायब कर रहा भाई स्क्रैच। फाइनल जो रिजल्ट देखने को मिलता है, एक हमारी जो बाइक इसकी विंडशील, एक इसका फेयरिंग, एक जुपिटर की बैक साइड की वो जहाँ पर बहुत ही लाइट जो दाग होता है ना वो भी इसके इससे गायब नहीं हो पाए हैं। तो भाई वैक्स पॉल वैसे तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल की है, बट अगर मैं बात की जाए स्क्रैच रिमूवर, ये जो इन्होंने ये निकाला है प्रोडक्ट, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 स्टार में से मैं इसको देना चाहूँगा 4 या 3 स्टार। 10 स्टार में से आप 10 स्टार छोड़ो यार, 5 स्टार में से आप कितने स्टार देना चाहोगे एक बार मुझे बताना जरूर। 5 स्टार में से मैं देना चाहूँगा 1 सिंगल स्टार इस वाले प्रोडक्ट को। हाँ अगर मैं बात करूँ गाड़ी पर, अगर आप मान लो पॉलिश वगैरह यूज़ कर रहे हो और आपको गाड़ी की शाइनिंग चाहिए, शाइनिंग स्क्रैच से कोई लेना देना नहीं है आपको, और आप तगड़ तगड़ के रगड़ रगड़ के मेहनत करना चाहते हो, कपड़े से रगड़ रगड़ के पसीना निकालना चाहते हो, तो ये प्रोडक्ट आपके बाइक को चमका के नया कर देगा, मतलब एकदम साफ कर देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पेंट के ऊपर से जो फेडनेस होती है वो खत्म कर रहा है, पर स्क्रैच गायब नहीं कर रहा है। और स्क्रैच अगर बहुत ही ज़्यादा माइनर होगा, बहुत ही ज़्यादा माइनर होगा, तो एक बार वो कह सकता हूँ आपने रगड़ रगड़ के मेहनत करी तो ये गायब करने के चांसेस हैं। पर 235 रुपये का ये दे रखा है, मुझे लगता है बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अमेरिका का इसके पीछे लोगो लगा हुआ है, इस पर साफ साफ लिखा है USA सर्टिफाइड ISO कंपनी 2015। तो भैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, वर्स्ट प्रोडक्ट लगा मुझे, वर्स्ट प्रोडक्ट। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा भाई, रियल रिव्यू दे रहा हूँ। अगर किसी ने ये प्रोडक्ट रिव्यू किया है या देखा है तो एक बार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ये पेड रिव्यू नहीं है, फेक रिव्यू नहीं है, या ना ही कोई ऐसा रिव्यू है, जो रियल है वो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो एक बार लाइक करना। बाकी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे मार्केट में मिलते हैं जिनका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उनसे बच सकते हो जो भी आपके साथ चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और दिखा दो, बहुत जरूरी बड़ी चीज़ है, ठीक है। एक तो कोई ये है, ये भी वैक्स पॉल का ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं 3M रबिंग कंपाउंड। ये एक बार को स्क्रैच आपके गायब कर देगी, पर इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का कलर फेड हो जाता है, तो उसको कलर को सही करने के लिए आपको पॉलिश यूज़ करनी पड़ेगी। इसका भी मैं किसी दिन एक वीडियो दूंगा लाके आपको, बट ये प्रोडक्ट बेकार है, अगर आपको कहीं मिले तो मत लेना, मैं आपको फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई इस चक्कर में, पूरी वीडियो बनाने चक्कर में पूरा पसीना पसीना हो गया भाई, जाकर नहाऊंगा यार, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अभी इस वक्त इस वीडियो के अंदर लाइक कर दो यार, ऐसे काफ़ी सारे वीडियो आपके साथ देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे पेड रिव्यू भी होते हैं, बट आपको मैं यही कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे रियल जेन्युइन रिव्यू दूँ, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। मेरी वर्कशॉप पे अगर आप आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैं लिंक आपका दे रखा है। मैं मिलता हूँ, थैंक्स टाइम नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।